जी, मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी के एहतमाम दो रोज़ा चौथी प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। एमएनएस ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर जो शुरका की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया है, और इस वक्त पीछे पंडाल में दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस टाइम जो तकरीब है वो जारी है, जिसमें तुलबा तलबात की बड़ी तादाद शरीक है, दीगर यूनिवर्सिटी के जो असाज़ा हैं वो भी शरीक हैं, माहिरीन इसमें शरीक हैं। और इस वक्त जो प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से, जो फसलों को बचाने के हवाले से जो नई रिसर्च की गई है उन पर इस वक्त जो है थीसिस वर्क जो है वो भी पेश किया जा रहा है। डीन जो है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, चौथी कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनेकाद कर लिया और कौन कौन से मौजूदात हैं जो इन दो रोज़ के दौरान इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ज़रा हमें बताइए। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन एक हमारा कंसेप्ट है कि जिसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेस्ट को कैसे मैनेज करना है। जैसे चेंजिंग क्लाइमेट आ रहा है, इस चेंजिंग क्लाइमेट में पॉपुलेशन पेस्ट की इंक्रीज़ हो रही है, उस इंक्रीज़ होने वाले पेस्ट की वजह से हमें बहुत सारा डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है। जैसे काटन को देख लें, काटन की प्रोडक्शन हमारी बहुत नीचे आ गई है, पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट बहुत ख़त्म हो गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को हम लेके हम आ रहे हैं कि हमने डिफरेंट दुनिया में से जितने साइंटिस्ट हैं और हमारे पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट हैं, कुछ ऑनलाइन करेंगे, कुछ फ़ेस टू फेस हमारे साथ डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको हम कैसे आगे मैनेज कर सकते हैं, इन डिजीज़ को, इन पेस्ट को, इन जड़ी बूटियों को। ये तीन चीज़ें जिनको हम फोकस कर रहे हैं, उसको आगे फिर हम ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम फार्मर के लिए एक दिन का इवेंट करेंगे, जो लोकल लैंग्वेज में हम उन किसानों को ये बताएंगे कि ये मसाइल हैं, इनको आपने कैसे हल करना है। जी, पेस्ट को कंट्रोल करने के हवाले से फसलों पर, इस हवाले से ये तीन रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस वक्त मुल्तान की एमएनएस ज़रई यूनिवर्सिटी में इस वक्त जारी है, और पीछे मेरे अकब में पंडाल में बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं एमएनएस ज़रई यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर के माहिरीन वो भी मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में तुलबा की जानिब से जो थीसिस वर्क, रिसर्च वर्क किया गया है वो पेश किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो पेस्ट के हवाले से, जो कंट्रोल करने के हवाले से जो इनोवेशंस हैं उनके हवाले से यहाँ पर डिस्कशन इस वक्त जारी है। जी।